देशवासियों को 78वां इंडिपेंडेंस डे एवं आजादी की मुबारकबादी देता हूं। जिस तरह इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। अमन, डेवलपमेंट और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आज मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन जख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा कि हमारे नौजवान जमीन बोरद हो गए, हमारे बुजुर्गों की इज्जतें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माओं की, बेटियों की, हम सब की मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जतों का सौदा किया गया। तो मुझे लगता है ये एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें नौजवानों को एक पहल करनी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ नौजवान जो हमारे हैं कि अपनी पार्टी हमेशा आपका और आपके मकसद को तरजीह देगी। तुम साहब, ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लियामानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही। शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहां कहीं पे हमने सपोर्ट दिया या किया वो लोगों को पसंद नहीं आया।